वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बस स्टैंड से निकले हैं और सबीना तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो आप इंजॉय करें, पूरा वीडियो देखें। ये यहाँ कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है, रोड के हालात इतने अच्छे नहीं है यहाँ पर। हमारे साथ में है ऑटो ड्राइवर जो हमें हेल्प करेंगे। ये सेंट्रल जेल है, ये सेंट्रल जेल के पास से निकल रहे हैं। टेकी रोड है, कौन सी रोड है? टेकी रोड है, ये टेकी रोड है और इधर ये कुंडाबंदी है। थाना है यहाँ का उदयपुर का, और ये जे सी बोस हॉस्टल है। आज इस वीडियो में आपको पूरा उदयपुर हम दिखाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखें और एंजॉय करें हमारे साथ में उदयपुर को। ये पूरा रूट हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट जो प्लेस है वहाँ तो कोई भी जाकर के आपको दिखा देता है, और वो तो जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट पे भरा हुआ है, हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें आपको सिटी का घूम घूम के देखना, अब आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप मेरे साथ में घूम रहे हैं ऑटो में। इस हिसाब से ये पूरा वीडियो आपको एंजॉय देगा, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में वही दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वही रिकॉर्ड करके आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ये फेमस चाट की दुकान है। चाट वगैरह की दुकानों पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो ये यहाँ चाट की दुकान से जहाँ भीड़ लगी हुई है। ये कुछ पुराना उदयपुर आपको दिख रहा है, ये देखिए बिल्डिंग। ये हम ऑटो में घूम रहे हैं, तो ऑटो वाला साथ में सवारियां भी ले रहा है, छोड़ रहा है, तो आप वो भी जैसे ये चेतक आया है सामने, ऐसे ही चेतक सवीना, ये इनका रूट है। 9 नंबर ये ऑटो है जिस पे हम घूम रहे हैं। ये हमें पूरे उदयपुर को घुमा देते हैं एक तरह से, क्योंकि इनका रोज़ का काम है। ये इसी रूट पे जाते हैं, तो इन्हें पता है, लोकल है। और महेंद्र लकीले हमें अच्छे एक गाइड भी मिल गए हैं, जो गाइड का काम भी कर रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं, बता रहे हैं कहाँ क्या आ रहा है। इससे क्या है, नई जगह पे हमें घूमने में आसानी हो जाती है, हमें हर जगह का पता चल जाता है कहाँ क्या है। तो इस तरह से हम पूरे इलाके को एंजॉय कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या आ रहा है। ये पूरा ये टेकरी लाइन पे हम चल रहे हैं अभी, इस इलाके का नाम है तो पुलिस लाइन बोलते हैं, पुलिस लाइन, ये पुलिस लाइन का इलाका है। पश्चिम गेट ये इधर ये गेट पड़ा हुआ है, पश्चिम गेट, और ये यहाँ का पूरा हिस्सा।
ट्रैफिक का आप देखें, उदयपुर की एक एक गली में हम आपको घुमा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमें नहीं बोलते हैं। ये भी पुलिस लाइन का है, लाइन का ही है सामने, और सामने एक गेट बना हुआ है, ये आप देखें खूबसूरत अच्छा गेट नया सा रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से अभी हम रेलवे स्टेशन आ गए, ये रेलवे स्टेशन का गेट है, स्टेशन हम पहुँच गए। ये आप देखें उदयपुर का रेलवे स्टेशन, जिसे हमने अभी क्रॉस किया है, और ये रेलवे स्टेशन के सामने का रोड है। रेलवे स्टेशन के सामने का गेट बहुत अच्छा शानदार बना रखा है, सुंदर बना रखा है। वैसे मैं रेलवे स्टेशन पहले आया हुआ हूँ, लेकिन अभी दोबारा से यहाँ से हम निकले हैं, और जिसे हम देख रहे हैं, और ये पूरा रेलवे स्टेशन के बाहर का पूरा व्यू है। ये सविता रोड है जिसके हम चल रहे हैं बस स्टैंड से सविता की तरफ। माता जी का मंदिर है, हरी माता जी का, ये हरी माता जी का मंदिर आगे ये यहाँ पर देखिए आप, आवरी माता जी का मंदिर है ये, और ये बाहर इसके आपको हर तरह का फूल नारियल वो सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये सामने का रोड है, ये सब मंदिर में जो आने वाले हैं अभी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रों में लोग अपने अपने हिसाब से अपने पूजा पाठ के लिए आते हैं, तो ये मंदिर में लोग आ रहे हैं। और ये आगे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, वीडियो में हम आपको पूरा उदयपुर जो है घुमा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पूरा वीडियो देखते रहें और इसको एंजॉय करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है ये हमारा प्रयास। एटीसी सर्कल है, ये सर्किल आ गया, क्या नाम है सर्किल का? एटीसी सर्कल है, ये फॉरेस्ट रोड में निकलता है, ये इधर फॉरेस्ट रोड भी है, और ये एक सर्किल है बड़ा सा अच्छा सा खूबसूरत, इसको सजा रखा है। सविता की तरह अभी ये सविता का रोड है,
आवाज़ ज़्यादा आ रही है तो माफ़ी चाहूँगा, मेरी आवाज़ शायद आप सही नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समझें और इसको इन्जॉय करें। ये जो पूरा ट्रिप है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे इन्जॉय करें। आपको उदयपुर का पूरा शेयर मैं करवा रहा हूँ, पूरा घुमा रहा हूँ और एक एक जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सामने आ रही है उसी को मैं रिकॉर्ड करके आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कहीं कहीं मैं मेरे इस प्रयास में सफल हो रहा हूँ। यदि आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा, हमें पता भी चलेगा। तो कमेंट ज़रूर कर दें आपको कैसा लगता है ये वीडियो, कोई सुधार आपको लगता है कि ये होना चाहिए, या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, इससे हमें और आगे और अच्छे बेहतर वीडियो आपको देने में आसानी हो। आपके सुझावों पे हम ज़रूर काम करेंगे, तो आप ज़रूर सुझाव हमें दें और आप ये नज़ारों का आनंद लें। यहाँ ये दिगंबर जैन मंदिर का नज़ारे आप देख पा रहे हैं, ये दिगंबर जैन मंदिर है और ये यहाँ का पूरा बाहर का व्यू है। भगवान महावीर का चलाया हुआ जैन धर्म जो दिगंबर जैनियों का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और ये श्याम सुंदर मंदिर है। ये इस मंदिर के बाहर का अरोड और इसके नज़ारे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना जिससे आने वाले सब वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।